दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम पंद्रह बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें आज की सबसे पहली खबर बिहार में दूसरे इंटर स्तरीय और तीसरी ग्रेजुएट परीक्षा का विज्ञापन अगले हफ्ते में होगा जारी दो स्तरों की होगी परीक्षा जी हां द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा और तृतीय ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा के लिए बी अगले सप्ताह विज्ञापन जारी करेगा इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से लगभग चार हजार पदों पर नियुक्ति होगी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए अब तक लगभग एक दर्जन विभागों से इंटर स्तरीय सहायक लिपिक आशु लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक सहायक राजभाषा निदेशक के छब्बीस सौ उनचास पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्तियाँ आई है वहीं आयोग की सूत्रों की माने तो तृतीय ग्रेजुएट परीक्षा के लिए लगभग डेढ़ हजार तक रिक्तियाँ आने की संभावना है हालांकि इनमें से अब तक लगभग आधी आयोग को प्राप्त हो गई है बड़ी खबर पटना जंक्शन पर शुरू हुई ट्रेवल डेस्क 24 घंटे किसी भी कोने में ले जा सकते हैं गाड़ी जी हाँ पटना जंक्शन पर रविवार को ट्रेवल डेक्स की शुरुआत की गई यहाँ से यात्री 24 घंटे गाड़ी बुक करा सकेंगे इसका नंबर सभी प्रमुख ट्रेनों की बोगियों में लिखा रहेगा कोई भी यात्री ट्रेन से ही अपने मोबाइल से इस डेस्क को फोन कर अपने घर जाने के लिए टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं यहां से बुक होने वाले सारे वाहनों में जीपीएस लगा होगा तथा ये पूरी तरह वातानुकूलित होंगे इस कारण अकेले महिला को भी अपने घर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी यहां से शहर के किसी भी मोहल्ले में जाने का अधिकतम किराया पाँच सौ रुपये तथा तो न्यूनतम किराया डेढ़ सौ रुपया होगा इसके अलावा बाहर से आने वाले व्यापारियों अथवा किसी कंपनी के प्रतिनिधियों के लिए भी बेहतर खबर है वैसे यात्री जिन्हें दिन भर पटना में घूम घूम कर काम करना है और देर शाम फिर ट्रेन पकड़ कर वापस लौटना है वे इलेक्ट्रिक बाइक की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ऐसे यात्री तीन सौ रुपये का भुगतान कर इलेक्ट्रिक बाइक किराए पर लेकर खुद ही चलाते हुए शहर में घूम सकेंगे बड़े खबर यूपी में योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बढ़ाएंगे नीतीश कुमार 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी जी हां अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है पहले संगठन और अब सहयोगियों से निपटना योगी के लिए बड़ी चुनौती होने जा रहा है बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के त्यागी ने इसका ऐलान किया है उन्होंने दावा किया है कि पहले बीजेपी से गठबंधन और सीट बंटवारे पर बातचीत की जाएगी अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली और बीजेपी जदयू में बात नहीं बने तो जदयू अकेले 200 सीटों पर चुनाव में उतरेगी अगली बड़ी खबर बिहार के चर्चित मुखिया रितु जायसवाल और एजाज अहमद को राजद में मिले नई जिम्मेदारी बनाए गए प्रदेश प्रवक्ता जी हाँ राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी के कार्यकलापों और विभिन्न विषयों पर पार्टी की सोच और विचारधारा को और भी मुख्य रूप से मीडिया के सामने रखने के लिए अपने प्रवक्ताओं की टीम में पार्टी के दो अन्य वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है इसकी जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चित्रंजन गगन ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा आज एजाज अहमद और ऋतु जायसवाल को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर मनोनीत किया गया है बड़ी खबर एलजेपी ने जारी की प्रवक्ताओं की नई लिस्ट इन चेहरों को मिली जगह जी हाँ बड़ी खबर सियासी गलियारे से आ रही है लोजपा में टूट के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रवक्ताओं की नई लिस्ट जारी कर दी है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की ओर से प्रवक्ता पैनलिस्ट और मीडिया प्रवारे की सूची जारी की गई है पार्टी की ओर से जारी नई सूची में पासवान अमर सिंह कुशवाहा नरेश प्रसाद शोभा सिन्हा पासवान संगीता तिवारी राकेश रोशन कृष्ण सिंह कल्लू राजेश वर्मा अभय सिंह विकास मिश्रा वेद प्रकाश पांडे चंदन सिंह और सुरभि ठाकुर को प्रवक्ता पेन की सूची में रखा गया है वहीं अशरफ अंसारी सुरेंद्र विवेक राजेश भट्ट अजय कुशवाहा अमर आजाद और विनीत सिंह को प्रवक्ता की लिस्ट में है पारस अस्पताल में दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को मुफ्त में मिलेगा टीका अस्पताल प्रबंधन ने दी जानकारी जी हाँ पटना के पारस एच एम आर आई अस्पताल में दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक रविवार से इस सुविधा की शुरुआत की गई है हर रविवार को इस वर्ग के लोगों को अस्पताल में निशुल्क टीका लगाया जाएगा अस्पताल प्रबंधन वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोगों को भी मुफ्त में टीकाकरण करेगा यह सुविधा 4 जुलाई से शुरू होगी इस तरह तीन वर्ग के लोगों का अस्पताल में मुफ्त में टीकाकरण होगा जिन्हें टीका लगवाना है उन्हें साथ में आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड लाना होगा जानकारी के मुताबिक यहाँ कोविशील्ड टीका लगाया जा रहा है बिहार में बड़ी स्पूतनिक वी की डिमांड तीन दिनों के अंदर खत्म हुआ स्टॉक बड़े पैमाने पर दिया गया ऑर्डर जी हाँ बिहार में शुक्रवार से कोरोना से बचाव के लिए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी लगाना शुरू कर दिया गया है बिहार के राजधानी पटना स्थित प्रभा मैदानता अस्पताल में रूसी वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है रोसी टीका बिहारियों को खूब बार रहा है स्थिति ऐसी है कि टीकाकरण की शुरुआत के तीन दिनों के अंदर ही टीके की स्टॉक खत्म हो गया है इस बात की जानकारी खुद जयप्रवाह मैदानता अस्पताल के डायरेक्टर अरुण कुमार ने दी है साथ ही उन्होंने बताया कि हमने और 2000 से 3000 हजार खुराक का ऑर्डर दे दिया है बड़ी खबर बिहार में पर्यटकों के लिए मंदार पर्वत पर जाना होगा आसान जुलाई में होगा रोपवे का उद्घाटन जहां बाका के मंदार पर्वत पर बन रहा रोपवे का काम 90 से पंचानबे फीसदी तक पूरा हो गया है फिलहाल विद्युतीकरण का काम अंतिम चरण में है पर्यटन विभाग के अधिकारियों को माने तो जुलाई में इसका उद्घाटन होगा और पर्यटन मंत्री जल्द ही रोपवे का निरीक्षण करेंगे मंदार पर्वत पर रोपवे की योजना करीब पाँच साल पुरानी है पिछले साल तक काफ़ी काम पूरा हो गया था मगर कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण कार्य बाधित हुआ है बड़ी खबर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दी जानकारी भारत में नहीं होगा टी ट्वेंटी विश्व कप का आयोजन जी हाँ आईसीसी टी20 टी ट्वेंटी विश्व कप के आयोजन को लेकर लगातार अटकले लगाई जा रही थी सोमवार को इसके आयोजन को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है बोर्ड की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है की टूर्नामेंट का आयोजन भारत में नहीं कराया जाएगा इसे कोरोना महामारी को देखते हुए यू में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है इस बारे में बी से अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पी से कहा हमने आधिकारिक तौर पर आई के इस बात की जानकारी दे दी है कि टी ट्वेंटी विश्व कप को यूनाइटेड अरब अमीरात में शिफ्ट कर दिया गया है बाकी की चीजों को भी देखा जा रहा है बड़ी खबर मुजफ्फरपुर में गंडक उफान पर धौस नदी का जलस्तर बढ़ा बिहार के पंद्रह जिलों में बाढ़ का खतरा जारी जी हाँ बिहार में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है मुजफ्फरपुर में गंडक नदी उफान पर है वहीं मधुबनी में दौस नदी का जलस्तर भी काफी अधिक बढ़ गया है जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ का खतरा शुरू हो चुका है आपदा विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुजफ्फरपुर स्थित बूढ़ी गंडक बागमती पुनपुन और कमला बलान का जलस्तर रेड लाइन से नीचे है हालांकि नदियों से सटे जिलों में बाढ़ का खतरा अभी मंडरा रहा है बड़ी खबर बिहार के इन जिलों में अगले चार दिनों तक भारी बारिश के आसार विभाग ने जारी किया जा मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के जिलों में अगले चार दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश के आसार है रविवार को भी बादल छाए हुए थे मौसम विभाग के अनुसार उनतीस जून ऐसी एक जुलाई तक कहीं जोरदार तो कहीं हल्की बारिश होगी दूसरी ओर तेज बारिश को लेकर मुजफ्फरपुर के साथ सीतामढ़ी मधुबनी दरभंगा वैशाली सिवर और समस्तीपुर को मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है राज्य भर में स्थानीय प्रभावों से बने गरज वाले बादलों की वजह से बारिश की स्थिति बरकरार है एक जुलाई को तेईस जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की स्थिति देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की गई है वहीं अगली बड़ी खबर बाढ़ से बेहाल हुआ पश्चिमी चंपारण हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद लोग पलायन को मजबूर नहीं मिली सरकारी मदद जी हाँ आधिकारिक तौर पर भले ही बिहार में बाढ़ नहीं आई हो मगर नेपाल के बराज से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से सूबे का पश्चिमी चंपारण हिस्सा बाढ़ ग्रस्त नजर सा आ रहा है यहाँ से बहने वाली सभी नदिया खतरे के निशान से बिल्कुल करीब है कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से चंपारण के कई तटबंधों पर खतरा मंडाने लगा है सिक्ट प्रखंड के सिरपुरा में ओरियो का बांध दो जगहों से ध्वस्त हो चुका है कई गांव टापू बन गया है सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है समय से पहले बाढ़ आ जाने से उनकी फसलें बर्बाद हो गई है आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से गंडक सिकरहना पंडई सा मनोर हड़बोड़ा और सहित जिले के सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है बड़ी खबर बिहार के छह जिले हुए नक्सल मुक्त अब केवल दस जिलों में रह गई है समस्या मुजफ्फरपुर नालंदा जहानाबाद समेत बिहार के छह जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के वाम उग्रवाद विभाग ने देश के ग्यारह राज्यों के तेईस जिलों को नक्सल प्रभाव ऐसी मुक्त बताया है इसमें बिहार ऐसी मुजफ्फरपुर वैशाली नालंदा जहानाबाद अरवल व पूर्वी चंपारण जिला शामिल है अभी तक बिहार के सोलह जिले नक्सल प्रभावित थे जो आप घाट कर दासी रह गए हैं बड़ी खबर फिर से आतंकियों के निशाने पर बोध गया हाई अलर्ट पर गया पुलिस सिटी एसपी ने देर शाम परिसर का लिया जायजा जी हाँ बोध गया को लेकर एक बार फिर से जिला पुलिस हरकत में आ गई है राज्य में आतंकियों के हरकत के इनपुट मिलते ही जिले की पुलिस हाई सिक्योरिटी पर रहने वाले बोध गया को हाई अलर्ट पर चौबीस घंटे रहने के सख्त आदेश दिए हैं सिटी एस ने अलर्ट मोड में रहने के सख्त आदेश मंदिर की सुरक्षा में तैनात अधिकारी व जवानों को दिए है और की बड़ी खबर बिहार के, के सभी जिलों में सौ के पार पहुंचा पेट्रोल का दाम यहाँ राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत सौ रूपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है रविवार को पेट्रोल की कीमत में तैतीस पैसे की वृद्धि के बाद एकमात्र बची जिला बेगूसराय में पेट्रोल सौ रुपये पार कर सौ दशमलव चौबीस रूपए प्रति लीटर पहुंच गया है शनिवार तक यहां पेट्रोल निन्यानबे दशमलव इक्यानबे रूपए प्रति लीटर था हालांकि बिहार में प्रति लीटर पेट्रोल की सबसे कम कीमत बेगूसराय में ही है राज्य के वैसे जिले जहां पर पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है उसमें किशनगंज जमुई मुंगेर अररिया पश्चिमी चंपारण और पटना शामिल है आज के लिए आपका सवाल बताए की क्या चिराग पासवान को आर के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं